इस आदमी के दिमाग से लोहे का रोड पूरा आर पार हो गया, बट फिर भी ये जिंदा बच गया, पर आखिर कैसे? तो एक्चुअली ये स्टोरी है अमेरिका की फिनियस गेज की, जब वो 1848 में अमेरिका के किसी फील्ड में रेल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था तब की। बेसिकली उनका काम था पहाड़ों में ऐसे होल बनाकर विस्फोटक के साथ एक रोड डालकर पहाड़ों को तोड़ना। तो एक दिन क्या होता है कि फिनियस विस्फोटक के साथ रोड डाल तो देता है, बट उस होल को बंद करना भूल जाता है, जिससे विस्फोट होने के चलते वो रोड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके दिमाग को आर पार करते हुए बाहर निकल जाता है। यहाँ से घुसते हुए यहाँ से बाहर सबको लगा कि फिनियस मर गया, बट वो जिंदा था। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसकी ये स्थिति देखकर डॉक्टर्स भी शॉक हो गए कि ये जिंदा कैसे बचा है। उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक होने लगा। फिर बाद में उस पर जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इस हादसे में उसका सिर्फ ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर ही डैमेज हुआ था, लेफ्ट हेमिस्फीयर सेफ था, इसलिए जिंदा बच पाया। बट फिनियस इस इंसिडेंट के बाद पहले जैसा नहीं रह गया था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, बट ऐसे खतरनाक हादसे के बाद भी वो 12 साल तक जिंदा रहा। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है।